दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं टाटा पावर के साथ में। टाटा पावर के ऊपर एक बहुत बड़ा साइबर अटैक देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं रिसेंटली ये खबर निकल कर आ रही है जहां पर टाटा पावर की जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर साइबर अटैक देखने को मिल रहा है, जिसकी जानकारी खुद मैनेजमेंट की तरफ से यहां पर निकल कर आ रही है। आप देख पाएंगे कुछ टाइम पहले की ये न्यूज है जिसमें टाटा पावर कंपनी ऑन 14th अक्टूबर सेड इट हैड अ फेस्ड अ साइबर अटैक ऑन इट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इंपैक्टिंग सम ऑफ आईटी सिस्टम। तो यहां पर कंटिन्यूसली रिस्टोरेशंस की प्रोसेस को यहां पर किया जा रहा है, यानी कि वापस इस साइबर अटैक से बाहर निकलने की कोशिश करी जा रही है। किसी भी कंपनी के अगर आईटी सिस्टम्स को अगर यहां पर साइबर अटैक कर लिया जाता है, उस पर साइबर अटैक हो जाता है, तो उसके बहुत ज्यादा हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। बात करें कि क्या इस न्यूज का टाटा पावर की शेयर प्राइस के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा, तो जी नहीं दोस्तों। यहां पर जो साइबर अटैक हुआ है इससे टाटा पावर की कंपनी के ऊपर कोई बड़ा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई बड़ा नुकसान कंपनी को नहीं होता है वो तो रिस्टोरेशंस के बाद में ही पता लगेगा कि साइबर अटैक जो हुआ है उसमें कौन कौन सा डाटा यहां पर करप्ट हुआ है और कितना नुकसान यहां पर टाटा पावर को हुआ है। तो अभी के टाइम पर टाटा पावर को कोई खास दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली है। अगर आपने टाटा पावर के अंदर निवेश कर रखा है तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अनदर कंपनी के बारे में जिसका नाम है एचएलई ग्लासकोट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, एचएलई ग्लासकोट लिमिटेड एक बहुत अच्छी कंपनी है। बहुत अच्छी कंपनी इसलिए है कि आपके घरों में जो ग्लासेस यूज होते हैं, यानी कि जो आप कांच का यूज करते हैं, उन कांच को बनाने का काम ही ये कंपनी करती है। कंपनी लिस्ट हुए अभी कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है और कंपनी लिस्टिंग के बाद से ऑलमोस्ट 80% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये शेयर्स ने लगभग 6,000 रुपए तक का सफर भी तय किया है, 6 से 6,500 रुपए तक का भी सफर भी यहां पर तय किया है। लेकिन उस लेवल पर अगर किसी शेयर होल्डर्स ने खरीदारी करी होगी तो उसको अभी के टाइम पर काफी ज्यादा लॉस बियर करना पड़ रहा है। नहीं दोस्तों, इस कंपनी ने तो 7,550 रुपए तक का सफर तय किया है और अभी के टाइम पर यह शेयर आपको 3,500 रुपए पर देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 50% शेयर अपने हाई से क्रैश हो चुका है। तो बात करेंगे यहां पर आपको क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलना है और इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है। तो कंपनी डिविडेंड भी देती है और साथ ही साथ इस कंपनी का आरओसी और आरओई परसेंटेज भी हमें काफी अच्छा देखने को मिलता है। टेक्निकल तो कंपनी के काफी अच्छे हैं। अब बात करें कि इस कंपनी के अंदर गिरावट क्यों हो रही है, क्योंकि पिछले 4 क्वार्टर से कंटिन्यूसली कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है, जिसके कारण कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वहां पर भी गिरावट हमें देखने को मिल रही है और इसी कारण से इस कंपनी के अंदर कंटिन्यूसली गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन कंपनी फाइनेंशियली अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो यदि आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। बात करें एचएलई ग्लासकोट लिमिटेड की तरफ से क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो आप देख सकते हैं 14 अक्टूबर 2022 आज ही के दिन कंपनी ने अपने स्टॉक स्प्लिट को लेकर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करी है। यहां पर कंपनी ने रिकॉर्ड डेट्स को चेंज करा है। कंपनी 1:5 के रेशियो का स्प्लिट देने जा रही है, यानी कि हर एक शेयर के बदले 5 शेयर कंपनी स्प्लिट के रूप में देने जा रही है, जिसकी एक्स डेट की बात करी जाए तो 18 अक्टूबर रखी गई है। यानी कि 18 अक्टूबर के पहले अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तब जाकर आप यहां पर स्प्लिट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अनदर शेयर के बारे में जिसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, यहां पर बात करी जाए इस शेयर की तो आज के दिन मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के अंदर हमें तेजी के प्रतिशत को नोट करें तो लगभग 2.25% की तेजी देखने को मिल रही है। और वहीं अगर हम इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग्स की बात करें तो कंपनी ने आज के दिन अपने Q2 के रिजल्ट की डेट को डिक्लेयर कर दिया है। 31 अक्टूबर 2022 के दिन हमें यहां पर कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो यदि आपने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड की, ना कि मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड की। तो यहां पर दोनों कंपनियां अलग अलग हो चुकी है, जिस कारण से यहां पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब बात करें मदरसन को लेकर एक और क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, तो सऊदी अरेबिया के अंदर मदरसन ग्रुप लगभग $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रही है और इस न्यूज के चलते इनकी शेयर प्राइस के अंदर काफी अच्छी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के अंदर अभी आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के अंदर अभी के टाइम पर आप पोजीशंस को थोड़ा सा अवॉइड करते हुए चल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट शेयर्स की तरफ, लेकिन उसके पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
अगले शेयर्स का नाम है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जहां पर गिरावट की प्रतिशत को नोट करें तो 0.81% की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि ऑलमोस्ट 34 पॉइंट की गिरावट हमें आज के दिन डिक्सॉन के अंदर देखने को मिल रही है। बात करें डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आई है, तो आज के दिन कंपनी के Q2 के रिजल्ट से रिलेटेड प्रीव्यू यस सिक्योरिटीज की तरफ से निकल कर आए हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज Q2 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सीन अप 59% अप ऑन ईयर बेसिस, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लास्ट ईयर के Q2 के कंपैरिजन में लगभग 59% की जंप देखने को मिल सकती है, और कंपनी लगभग 99 करोड़ रुपए का प्रॉफिट अपने Q2 के रिजल्ट के अंदर डिक्लेयर कर सकती है। वहीं अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स के अंदर भी 69% की जंप देखने को मिल सकती है, और कंपनी 4,738 करोड़ रुपए की सेल्स Q2 के अंदर डिक्लेयर कर सकती है। तो ये तो थे कंपनी के प्रीव्यू, और कंपनी का रिजल्ट किस प्रकार से निकल कर आता है वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यदि आपने डिक्सॉन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के दिन की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि ASM लिस्ट से रिलेटेड निकल कर आ रही है। आज के दिन SEBI ने लगभग 10 कंपनियों को काफी बड़ी राहत दी है, और साथ ही साथ यहां पर कुछ और बड़ी अपडेट्स भी हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म ASM लिस्ट के बारे में। तो आज के दिन जिन कंपनियों को लॉन्ग टर्म ASM लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है, उसमें सबसे पहली कंपनी का नाम है Hincon Chemicals Limited और Venus Pipes and Tubes Limited। इसी के साथ में जिस कंपनी को स्टेज 1 से स्टेज 2 के अंदर शिफ्ट किया गया है, उसका नाम है रचना इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड। आगे बढ़े तो यहां पर जिन कंपनियों को स्टेज वाइज यहां पर रिलीफ मिला है, उसमें सबसे पहली कंपनी का नाम है Zensys इंटरनेशनल कॉरपोरेशन लिमिटेड और बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों को लॉन्ग टर्म ASM लिस्ट की स्टेज 3 से स्टेज 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। बात करें उन कंपनियों की जिन्हें स्टेज 2 से स्टेज 1 में शिफ्ट किया गया है, उसमें सिक्को इंडस्ट्री लिमिटेड का नाम देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं उन कंपनियों के बारे में जिन्हें ASM लिस्ट की लॉन्ग टर्म ASM लिस्ट से कंप्लीटली एग्जिट कर दिया गया है, कंप्लीटली बाहर कर दिया गया है। तो टोटल 6 कंपनियों के नाम देखने को मिल रहे हैं, जिसमें एशियन ग्रेनाइटो इंडिया लिमिटेड, पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड, प्रीति इंटरनेशनल लिमिटेड, स्टेरलिंग टूल्स लिमिटेड, आर्शिया लिमिटेड और मित्तल लाइफ स्टाइल लिमिटेड का नाम देखने को मिल रहा है। बात करें शॉर्ट टर्म ASM लिस्ट की, तो आज के दिन किसी भी कंपनी को शॉर्ट टर्म ASM लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, और बात करें एग्जिट की, यानी कि किन कंपनियों को शॉर्ट टर्म ASM लिस्ट से बाहर किया गया है, तो यहां पर भी टोटल 6 कंपनियों का नाम देखने को मिल रहे हैं, जिसमें 5 कंपनियों को तो कंप्लीटली एग्जिट कर दिया गया है, और 6 नंबर की जो कंपनी है उसे शॉर्ट टर्म ASM लिस्ट से बाहर निकालकर लॉन्ग टर्म ASM लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो कंपनियों के नाम है VSL लिमिटेड, CMI लिमिटेड, मैनकोर, मैंग पावर, CMC मशीन्स लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, जय कॉर्प लिमिटेड, और एक कंपनी जिसे शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में शिफ्ट किया गया है, उसका नाम है Venus पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। तो ये कुछ कंपनियां थी जिन्हें SEBI की तरफ से काफी बड़ी राहत प्रोवाइड करी गई है। तो यदि आपने इन कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर मंडे के दिन आपको काफी अच्छे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं।